हेलो गाइस, मेरा नाम हिरदोष और मेरे चैनल टेक एंड टूल्स का स्वागत है। तो आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में बताना शुरू करने से पहले जरूरी बात की गया, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलो मेरे चैनल को। साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वीडियो को देख पाओ। साथ ही अगर आपको ये अपडेट्स और मेरी मेहनत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और अगर उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए। चलिए अब देखते हैं आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। सो अब हम जो पहले अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईक्यू के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात करूँ आईक्यू Z5X स्मार्टफोन के बारे में, जो कहा जा रहा था कि अक्टूबर महीने में लॉन्च होने वाला है चाइना के अंदर। देखते हैं कि उसके लॉन्च डेट कब की निकल के आते हैं। हालांकि अपडेट ये है कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें Dimensity 900 चिपसेट जो है वो उसके ऊपर ये स्मार्टफोन रन होता देखने को मिलने वाला है। साथ ही में 44 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग के साथ ही स्मार्टफोन आने वाला है। बात करें और एक इससे रिलेटेड इसी स्मार्टफोन के बारे में, तो वीवो के ऊपर एक पोस्टर निकल के आया जो मैं आपको सेंटर दिख रहा हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार आईक्यू जेड सीरीज़ जो है यानी कि Z5 सीरीज़ जो है उसके अंदर हमें प्रो वेरिएंट भी जो है वो देखने को मिलने वाला है। सो अब देखते हैं कि आईक्यू Z5X लॉन्च होने के बाद देखते हैं कि आईक्यू Z5 प्रो जो है वो हमें कब तक और कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिलता है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। बात करूँ रियलमी GT Neo 2 स्मार्टफोन के बारे में। मैंने आपको अपकमिंग स्मार्टफोन वाला वीडियो में कहा था कि अर्ली अक्टूबर के अंदर ये लॉन्च होने वाला है, तो अब इसका जो पेज है वो लाइव हो चुका है वेबसाइट के ऊपर। इसके कुछ फोटोज़ जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मान के चलिए मे भी हो सकता है शायद नेक्स्ट वीक में हमें इसका लॉन्च जो है वो देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि इसकी ऑफिशियल डेट जो है वो कब तक की अनाउंस होती है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है ColorOS 12 के बारे में, जो बेस्ड होने वाली है एंड्रॉइड 12 के ऊपर। अब इसके पोस्टर निकल के आया जो मैं आपको सुनकर दिख रहा हूँ। साथ ही में अब इसकी ग्लोबल लॉन्च डेट जो है वो सामने आ चुकी है। 11th of October को जो है ग्लोबल ये लॉन्च होने जा रहा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो हमें 2:30 बजे जो है इसका जो लॉन्च है वो देखने को मिलने वाला है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है OnePlus के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बताता हूँ OnePlus 9RT स्मार्टफोन के बारे में। अब पॉसिबली कहा जा रहा है OnePlus का एक मॉडल नंबर जो है वो देखा गया Geekbench के लिस्ट के ऊपर, जिसका मल्टीपल सिंगल को स्कोर जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि स्नैपड्रैगन 888 SoC जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर ये रन कर रहा है, साथ में 12 GB रैम के साथ ही आने वाला है। तो हो सकता है कि ये शायद जो है OnePlus 9RT स्मार्टफोन ही है जो हमें लॉन्च होते देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इसके अंदर 65 का फास्ट चार्जिंग भी जो है वो देखने को मिलने वाला है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो अपडेट हमें मिल पाई है वह डिजिटल चेस स्टेशन, जिसका पोस्ट जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 898 और Dimensity 200 पावर फ्लैगशिप फोन जो है वो बहुत ही जल्दी आपको जो है लॉन्च होते देखने को मिलने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो है 5 के प्राइस रेंज के आसपास भी देखने को मिल सकता है, यानी कि फ्लैगशिप SoC कोई 5000 की रेंज में। ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है, बट देखते हैं कि ये एक हम रूमर की तरह ले सकते हैं कि देखते हैं कि ऐसा कौन सा स्मार्टफोन होता है जो हमें इस प्राइस रेंज के अंदर जो है फ्लैगशिप SoC जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है नोकिया के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात करूँ नोकिया X100 और साथ ही में G300। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन जो है अब नेटफ्लिक्स का जो सपोर्टेड डिवाइस होता है उसके अंदर जो है ये लिस्ट हो चुके हैं। मान के चलिए कि बहुत जल्दी आपको नोकिया की तरफ से जो है ये दोनों ही स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। रियलमी की तरफ से जो है 3 स्मार्टफोन जो है रियलमी के मॉडल नंबर जो है अब वो AEC सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है वो देखे गए, जिसका फोटो जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर RMX 3393, RMX 3491 और RMX 3301, ये तीनों ही मॉडल नंबर जो है अब देखते हैं कि ये कौन से स्मार्टफोन होते हैं और कब तक हमें इसका लॉन्च जो है वो देखने को मिलने वाला है। हालांकि मेरी मान है तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी एक ऐसी ब्रांड है जिसे हम सब ने जो है अपनी आंखों के सामने जो है ग्रो होते हुए दिखा है, और काफ़ी रैपिडली मैं कह सकता हूँ अगर हम ट्रेडिंग या लैंग्वेज में बात करें फाइनेंशियल लैंग्वेज, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ जो है मुझे लगता है रियलमी आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं कि रियलमी आगे जो है, मुझे इंतज़ार है रियलमी का फोल्डेबल फ़ोन का, कि देखते हैं कि वो फोल्डेबल फ़ोन जो है वो कब तक लेके आते हैं और कौन सी प्राइस रेंज में लेके आती है। देखते हैं आप क्या सोचते हो रियलमी ब्रांड के बारे में, फिर स्मार्टफोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के बारे में। तो इन्फिनिक्स की तरफ से जो है Note 11 और साथ में Note 11 Pro, ये दोनों ही स्मार्टफोन जो है NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट जो है थाईलैंड की उस पर देखे गए हैं। तो मान के चलिए बहुत जल्दी हमें जो है इसका लॉन्च भी जो है देखने को मिलने वाला है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है टेक्नो के स्मार्टफोन के बारे में। तो टेक्नो की तरफ से जो टेक्नो कैमनो 18P 18 और 18 प्रीमियर, ये तीनों ही स्मार्टफोन के जो है अब ऑफिशियल रेंडर और पोस्टर जो है वो आ चुके हैं, जिसके स्पेसिफिकेशन फोटो जो है मैं आपको स्क्रीन पर 1x1 दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि जो 18P है उसके अंदर में हेलियो G96 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, SoC जो रन करने वाला है। साथ ही में बात करें आगे तो जो 18 है उसके अंदर हमें हेलियो G88 SoC देखने को मिलने वाला है, और जो 18 प्रीमियर है
उसके अंदर हमें हेलियो G96 SoC जो है वो देखने को मिलने वाला है। तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर जो है ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा है, कुछ कुछ डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलने वाला है। सो अब देखते हैं कि ये वाली सीरीज़ जो है टेक्नो की तरफ से हमें कब तक लॉन्च होते देखने को मिलती है। हालांकि टीज जिस तरह से किया जा रहा है, यानी कि बहुत जल्दी हमें इसका लॉन्च जो है इसी महीने में देखने को मिलने वाला है। देखते हैं कौन से प्राइस रेंज में टेक्नो अब ये कैमनो 18 सीरीज़ जो है वो लॉन्च करती है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के K50 सीरीज़ के बारे में, जिसके कुछ की स्पेक जो है निकल के सामने आए वीवो के ऊपर, जिसका पोस्ट जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि रेडमी के 50 स्मार्टफोन है, उसके अंदर में E5 एमोलेड डिस्प्ले प्लस 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है। रेडमी के 50 प्रो के अंदर में E5 एमोलेड डिस्प्ले और साथ में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है, जबकि रेडमी के 50 प्रो प्लस जो है उसके अंदर हमें E5 एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 898 SoC, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग जो है वो देखने को मिलने वाला है। सो अब देखते हैं कि अब रेडमी के 50 सीरीज के जो है रेंडर और टीज आने शुरू हो गए धीरे धीरे, रेंडर मीन्स बट सॉरी ये जो कुछ रूमर्स है स्पेक्स है वो आना शुरू हो गए, तो मान के चलिए बहुत जल्दी हमें आने वाले टाइम के अंदर जो है इसका लॉन्च और जो रेंडर्स है और अपडेट्स जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। सो स्टे ट्यून विद टेक गैजेट। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईफोन 14 के बारे में। सो अब एक न्यूज़ ऐसे निकल के आई है आईफोन 14 के रिगार्डिंग, ये कहा जा रहा है कि आईफोन 14 के अंदर नेक्स्ट ईयर जो है हमें अप टू 2 TB का जो है वो हमें स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। यानी कि 2 TB, मुझे समझ भी नहीं आता कि कौन से लोग जो है ऐसा जो परचेस करना पसंद करेंगे, कौन से ऐसे पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है कि जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ती जाती है, नो डाउट जैसे जैसे कैमरा इंप्रूव होते हैं तो हमें जो फोटोज़ एक सिंगल क्लिक भी करते तो उसकी भी साइज़ जो है वो बढ़ जाती है, और साथ ही में ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें स्टोरेज अपग्रेड करना चाहिए, वो बात ज़रूरी है। बट कुछ हद से ज़्यादा जब आप कोई स्टोरेज लेते हो तो आप जो है बैकअप करने के लिए आलसी हो जाते हो, आप ज़्यादा जल्दी बैकअप नहीं लेते हो। तो मेरी माने तो ना ज़्यादा कम ना काफ़ी ज़्यादा, और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, और आपको स्टोरेज वैसा पसंद करना चाहिए जैसे 256 GB है, यानी कि ना 128 GB, ना 1 TB, ना 2 TB, और 256 GB एक अच्छा स्टोरेज ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से। और आप लोगों को वैसे स्टोरेज कितना पसंद है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी के बारे में ही अगेन, और ये है रियलमी का जो UI 3.0 है उसके बारे में। हालांकि ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ टेक्निक्स के अंदर कि ये अक्टूबर के अंदर लॉन्च होने वाला है। अब उसका एक नया रियलमी की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। हालांकि ऑफिशियल डेट इसकी अभी तक नहीं निकल गया है, बट अगेन रियलमी की तरफ से टीज किया जा रहा है कि बहुत जल्दी आपको जो है रियलमी 3.0 का लॉन्च जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है डीजो ब्रांड के बारे में है। सो डीजो की तरफ से जो है अभी जो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डी सेल चल रहा है उसके अंदर जो उसके जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है, तो उस सारे डिस्काउंट की जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है और साथ में जो ऑफर प्राइस है वो सारी लिखी हुई है, आप देख सकते हो। जैसे कि डीजो बट जेड है वैसे उसकी प्राइस है 1999, बट ऑफर प्राइस में आपको मिल रहा है 1299 में। डीजो वॉच 2 जिसकी प्राइस है 2999 वो आपको मिल रहा है 2299 में। साथ में डीजो वॉच प्रो 4999 की है बट आपको मिल रही है 1000 रुपये कम, यानी कि 3999 में। तो आप सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो। अगर आप किसी प्रोडक्ट के प्लानिंग में हो तो आप जाइए अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर, आप उस सेल का जो है वो ऑफर इस ऑफर का लाभ जो है वो आप उठा सकते हो। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एप्पल वॉच के बारे में। तो एप्पल वॉच 7 सीरीज़ जो है अब वो फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है लिस्ट हो चुकी है, जिसकी प्राइस निकल के आई है, जो मैं आपको प्राइस जो है वो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि जो एल्यूमिनियम जो होने वाली है वॉच 41 mm, उसकी प्राइस 41,900, 45 mm की साइज़ 44,900, साथ ही में 41 mm बट ये सेलुलर में है, सो उसकी प्राइस होने वाली 50,900, 45 mm सेलुलर की प्राइस होने वाली 53,900, और साथ ही में जो स्टेनलेस स्टील वाला वेरिएंट है तो सिल्वर कलर का आपको दिखता है, जो GPS और सेलुलर दोनों ही आता है उसके अंदर, तो उसकी जो प्राइस होने वाली 41 mm की 69,900, और 45 mm की साइज़ होने वाली है 73,900, और साथ ही में अगर आपको मिलनेस लूप वेरिएंट चाहिए तो उसमें आपको जो इसके अंदर प्लस 4,000 जो है वो ऐड करने होंगे। यानी कि आप मुझे बताइए कि इस एप्पल वॉच की प्राइजेस को देख के आपके थॉट्स क्या है, आप क्या सोचते हो इतनी महंगी एप्पल वॉच के बारे में। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में, और सैमसंग गैलेक्सी M22 स्मार्टफोन के बारे में। अब इसका जो लॉन्च है वो हमें बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट पेज है वो इंडियन वेबसाइट के ऊपर जो है वो लाइव हो चुका है, यानी कि मान के चलिए
थोड़ी वक्त के अंदर यानी कि थोड़ी दिनों के अंदर जो है हमें सैमसंग की तरफ से ये एम सीरीज़ का नया स्मार्टफोन M22 जो है वो लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। और अब जो हम आखिरी ब्रेक के बारे में बात करने वाले हैं वो है शाओमी के स्मार्टफोन के बारे में है। तो शाओमी की तरफ से जो है 4K डिस्प्ले वाला कहा जा रहा है कि एक स्मार्टफोन जो है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो अब उस स्मार्टफोन को जो है वो गीकबेंच की लिस्टिंग के ऊपर दिखा गया है, जिसका मल्टी और सिंगल कोर स्कोर जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का 778G SoC हमें देखने को मिलने वाला है, साथ ही में 8GB रैम को सपोर्ट करने वाला है, साथ ही में एंड्रॉइड 11 के ऊपर ही रन करने वाला है। सब देखते हैं कि 4K डिस्प्ले और SoC जो है स्नैपड्रैगन का 778G, तो देखते कि ऐसा स्मार्टफोन कॉम्बिनेशन वाला कौन सा होता है कि 4K डिस्प्ले 2K डिस्प्ले तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि काफ़ी फ्लैगशिप SoC भी साथ में होना चाहिए। ये 778G है, मैं ऐसा उसको इतना भी फ्लैगशिप SoC नहीं कहूँगा, बट अच्छा एक SoC है। तो आप देखते हैं इस SoC के साथ जो है Xiaomi कौन सा स्मार्टफोन जो है वो नियर फ्यूचर में लॉन्च करते हुए देखने को मिलती है। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही मुझसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पर जाकर टैगन सर्च कीजिए, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके। जो भी मैं जानता हूँ उतना आपको गाइड करने की जरूर कोशिश करूँगा। साथ ही मेरे लिए कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को देख पाओ। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहने और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।